मेरी टांगों से जैसे जान निकल जाती है और मेरे होंठ बर्फ की तरह ठंडे हो जाते हैं और मुझे अपने आप पे तरस आने लगता है। बस मैं तुम्हें अभी लेने आ रहा हूँ, अभी और इसी वक्त, ठीक है? ओहो, इतनी जल्दी क्या है, आप शाम को आ जाइएगा जब तक अम्मा भी आ जाएंगी, ठीक है? अच्छा, हाय हाय, कैसे गुजरेंगे ये 2-2.5 घंटे। कसम ले लो नादिर बेटा, जो मैंने इस सारे मामले में जर्रा बराबर भी नासरा की हिमायत की हो, वो तो तुम खुद इसे लेने आ गए, वरना तो मैं इसकी चोटी पकड़कर इसे तुम्हारी दहलीज तक छोड़कर आती। अरे कैसी बातें कर रही हैं खाला? अरे बेटा, मैं उन माओ में से नहीं हूँ जो अपनी बेटियों की गलत बातों पर भी वाह वाह करती रहती है। अरे मैंने तो जूते मार मार कर इसका दिमाग सीधा कर दिया है। भला ये भी कोई बात हुई कि जरा सी बात हुई और घर छोड़कर आ गई? भला कहीं इस तरह घर बसते? ये बात नहीं है खाला, के सारा कसूर इसी का है, मगर एक बात तो इसके सोचने की भी है ना, कि मैं अगर दुनिया जान का थका हारा घर लौटूं और मुझे घर में रोती बसुरती और तंस के तीर बरसाती हुई बीवी मिलेगी तो मैं ऐसे घर में लौटना ही क्यों चाहूंगा। सही कह रहे हो, बिल्कुल 100% पते की बात कर रहे हो तुम। अम्मा तुम तो बस ना इनकी हाँ में हाँ मिलाती रहना। खाला जी, मियाँ बीवी की खटपट का असल फायदा दूसरी औरत उठाती है, मिनटों में मर्द पर काबिज हो जाती है और फिर पहली बीवी का पत्ता साफ। बात ये नहीं कि मर्द बेसब्रा है और औरत को परखने के मामले में जल्दबाज है, बल्कि असल बात यह है कि मर्द औरत की तरह कोई फैसला करने में सालों नहीं लगाता, बस खट से फैसला कर लेता है। औरत को अपने घर की देखभाल बहुत सोच समझ कर करनी पड़ती है। हाँ, औरत सारी जिंदगी हिफाजती इकदामात करती रहे और मर्द सारे पहरे तोड़कर जहाँ दिल चाहे मुंह मारता फिरे। कुछ फर्ज मर्द का भी बनता है या नहीं, ये सारी नसीहतें और सारी ताकीदें सिर्फ औरत के लिए ही हैं। और अगर गलती से कहीं घर टूट जाए तो सारी लानते और फटकारे औरत के जिम्मे। वाह जी वाह, ये बड़ी अच्छी रही। अरे चुप कर जा, मैं कहती हूँ काबू में रखा कर अपनी गस भर की जबान को, कैसी कतर कतर चल रही है। अरे वो तो तुझे इतने मीठे लहजे में बातें समझा रहा है और तू है कि तू इसके खिलाफ जहर उगले चली जा रही है। अच्छा बाबा, अब गुस्सा थूक भी दो। देखो मैं खुद तुम्हें लेने आया हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। और मैं क्या करूँ, तुम्हारे सामने मुर्गा बन जाऊँ ही उठक बैठक करूँ? अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ फिर आपके साथ। ए नादिर बेटा, तुम इसे जरा मोहब्बत से समझा दिया करो, समझ जाएगी, बड़ी साबिर बच्ची है मेरी, लेकिन जज्बाती बहुत है, अभी कम उम्र है ना, धीरे धीरे अकल आ जाएगी। अच्छा खाला जी, हम लोग चलते हैं, ठीक है? अरे शौक से ले जाओ बेटा इसे, आखिर को बीवी है तुम्हारी, और बेटियां बच्चियां तो अपने ससुराल की रौनक बढ़ाए तो अच्छा लगता है। और रह गया मैं का, अरे वो तो शादी के बाद एक छोटा सा स्टेशन हो जाता है जहाँ जिंदगी की गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकी और आगे बढ़ गई, ससुराल की तो बात ही अलग है। हेलो, बातों बातों में मैं तुमसे ये पूछना भूल गई कि, अच्छा खैर छोड़ो। अब बेधड़क कहो खाला। ए तुम्हारी माँ ने बख्शुल्ला और बिल्किस की कोई बात नहीं बताई तुम्हें? नहीं तो? अरे वो कुछ नहीं, वो ऐसा हुआ कि तुम्हारी खाला अनवरी ने बिल्किस और बख्शुल्ला को रंगे हाथों चाट खाते हुए पकड़ लिया। अरे अगर अनवरी मुझसे ये बात कहती ना तो मैं शायद कभी यकीन न करती, तो मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से खुद देखा है। कसम अल्लाह बाकी जो चाहे तुम कसम उठवा लो, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। खूब तरबियत दिए तुमने अपनी बेटी को, अरे शर्म करो, डूब मरो। कैसे बेशर्मी से बख्शुल्ला के साथ चाट खा रही थी। मैंने रंगे हाथों पकड़ा, मैंने। ओ कल्लो परी, तुझे शर्म ना आई? अरे पहले की बात तो कुछ और थी, अब तो ये शादीशुदा है। रहन दो खाला, ये कौन सा अपनी मर्जी से बने थे दूल्हा फरखंदा जब इनके, लालची खाला कहीं की। अरे थोड़ी सी दौलत के लिए तुमने कोहे नूर का सौदा कर दिया। किस कोहे नूर की बात कर रही है, अब मैं क्यों बेचने लगी कोहे नूर? अरे हमारे हालात बहुत अच्छे हैं, तुम भिखारियों से तो बहुत अच्छे हैं हम लोग।
अम्मा अम्मा मेरी भोली अम्मा, ये कोहिनूर से मुझे तस्वीर दे रही हैं। पता नहीं माँ बेटियों ने क्या जादू कर दिया है, कुत्ते की तरह दुभिलाता फिरता है। ए अनवरी जरा जबान संभाल के बात कर, ये जादू वादू का इल्जाम मुझ पर और मेरी मासूम बच्ची पर मत लगा। मैं हराम समझती हूँ जादू करने पर और करवाने पर। हराम समझती हूँ जादू करना और करवाना? जब भी चौक के आमिर के पास बैठी रहती थी, घुसी रहती थी, अपनी सास को मार डाला, दूध के बहाने चाट मसाला पिला के उसे जहर दे दिया। अरे ताबीज किए तो ना ताबीज, जब वो खून की उल्टियां कर करके मरी हैं। अल्लाह माफी, अल्लाह माफी। वो खून की उल्टियां मेरी वजह से हुई थी? नहीं, मेरी वजह से करके मरी। ओ झूठी लपाड़न, मैंने उसे कहा था कि जून जुलाई की गर्मी में पतीला भर पाए का सालन पी के खट्टे दही पे किर और शक्कर छिड़क के डकार जाए। यही अंजाम होना था लालच का, सीना जकड़ गया था उसका, इसलिए उल्टियां करती फिर रही थी। बात करती है जादू टोने की, अब बहुत बोल रही है अनवरी तू। अगर मेरी जबान चल निकली ना तो भागती फिरेगी यहाँ से। अरे जा जा, मैं नहीं डरती तेरी गीदर भपकियों से। ओहो अम्मा छोड़ो भी, किसके मुंह लग रही हो? और तुम कौन होती हो हम पे इल्जाम के ठोकरे बरसाने वाली? ये तो मेरी माँ का जर्फ है जो तुम्हारी पागलों वाली बकवास बर्दाश्त कर रही है। मैं होती ना अपनी अम्मा की जगह तो आटे दाल के भाव याद करा देती। हाँ अरे तू हमें क्या आटे दाल का भाव बताएगी? अल्लाह का शुक्र है सुबह शाम किचन खाते किचन। अम्मा किचन नहीं, चिकन चिकन। जा, और जब दिल चाहता है ना लाल गोश्त खाने का तो छोटे का गोश्त खा लेते हैं। तुम लोगों की तरह नहीं है, बड़े बड़े हड्डे का गोश्त वो भी चटखारे देकर खाएं। अपनी औकात मत भूल। भूल गई वो दिन मेरी उतरने पहनती थी मेरी? अरे वो तो दुआ दे बख्शुल्ला के बाप को कि वो दुबई चला गया, वरना आज भी तू मेरी उतरन पहन रही होती। अम्मा क्या बात कर रही, अब कहाँ आएंगी खाला को तुम्हारी उतरने? अब तो हर तरफ किचन ही किचन नजर आ रहा है। चुप कर जा। इस, ये मेरी माँ है, तुम पर इनका एहतराम वाजिब है। हाय हो जा, हाय जहर लग रहा है तू मुझे बिल्कुल। जोर से तो नहीं लगा थप्पड़? नहीं नहीं, मैं तो आदी हूँ इन हल्के फुल्के थप्पड़ों का। हो गई ठिकनी की वापसी। शर्म करो शर्म, हया करो, जवान भाइयों के होते हुए बहन दन दनाते फिर रही है। कभी हिलता जा रही है, कभी क्लिफ्टन जा रही है, कभी सफारी पार्क जा रही है। फ्रूट चाट खा रही थी बख्शुल्ला के साथ तुम्हारी बहन। अम्मा फ्रूट चाट थोड़ी खाई थी हमने, हमने तो सादी चाट खाई थी, वो भी 5 रुपए वाली। ये क्या हो रहा है इस घर में, ये घर है अब? बस करें नादिर, आप क्यों बोल के बुरे बन रहे हैं? और भी तो सब इस घर में मौजूद है, उनको सब कुछ नजर नहीं आता? और ठिकनी ज्यादा लगाई बुझाई करने की जरूरत नहीं है, समझी? दो झांपड़ लगेंगे ना तो बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अम्मा इसकी शक्ल तो देखो, पगली शमीम की तरह नहुसतें बरस रही हैं। किसी के बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि इसको छूकर भी देखे। आखिर ये सब हो क्या रहा है? कुछ नहीं हुआ बेटा, तेरी खाला का दिमाग खराब हो गया है, ओल फल बक रही है। कीड़े पड़े तेरी कब्र में, मेरी मासूम बच्ची पे जादू टोने का इल्जाम लगा रही है। इन्हीं हरकतों की वजह से तेरे शौहर ने तुझे इस बुढ़ापे में तलाक दी अनवरी। जा, अरे चल। अरे खाला। अरे चुप हो जा, मत आग लगा। अरे खूब अच्छी तरह जानती तुम माँ बेटों को, तुम लोगों की वजह से शहर में आम हुई है ये बात। हाँ नहीं तो तू यही मरेगा या गरज भी होगा, ये डेरा इधर ही जमाने का इरादा है। चल इधर से, चल जा। और आपा तुम्हें तो नहीं समझे, मुझ बदनसीब के तुम्हें बतुआ लगे खुदा कर। अरे जा, कब्बों के घोंसले से ढोर नहीं मरा करते। जा बढ़िया ढोर नहीं मरते। ओहो बड़ा काम हो रहा है भाई। हाँ वैसे रंगत से तो बड़ी स्पेशल चाय लग रही है। अनु सर तुम भी बहुत स्पेशल हो, सबसे अलग सबसे जुदा। चाय चाहिए? नहीं ये चाय तुमने अपने लिए बनाई है, ये तुम ही पियो। चाय चाहिए या नहीं? अच्छा इतने प्यार से कह रही हो तो पिला दूं। नुसरत नुसरत क्या हो, नुसरत 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 क्या हो तुम्हें? नुसरत नहीं अच्छा लगता है मुझे तुम्हारी तरह मिनमिनाते हुए लड़की नुमा लड़के। चाय चाहिए कि तो छीन लेते।
क्या कह रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? और लोग भी तो होते हैं जिन्हें गेंद चाहिए होती है तो घुस जाते हैं घर में, चाहे मगरिब का वक्त क्यों ना हो, गेंद लेकर ही टलते हैं। जी नहीं सकते थे चाहे। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मोहब्बत में कोई जबरदस्ती नहीं होती, ये बराबरी का सौदा होता है नुसरत। तू क्या कर रहा है यहाँ पे खड़ा हुआ? बातें सुन रहे हमारी छुप के हैं? कसम अल्लाह पाकी अभी अभी आया हूँ, जहाँ पहले खड़ा था ना वहाँ तो हल्की सी पिन बिनाट की भी आवाज नहीं आ रही थी। ईमान से अंधा, अगर मैंने तुझे दरवाजे से चिपक कर ये दीवार के पास खड़े होकर बातें सुनते हुए देखा ना तो तुझे जान से मार दूंगा, समझा? तू दबा ले यहाँ से, बदतमीज इंसान। क्या परेशानी? आ है अम्मा, आ रहा हूँ। इतना मुश्किल क्या हुआ? मुश्किल क्या हो गया? वो चली गई। अम्मा क्या 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 खाला कुलसुम का इंतकाल हो गया? मैं पहले ही कहता था कि ऐसा सलूक मत करो उनके साथ, तुमसे सीनियर थी और तुमसे पहले लुढ़क गई। अम्मा अब पछतावे तुम्हारा मुकद्दर बन जाएंगे। क्या हो गया बख्शुल्ला तुझे, बस बोलता है तो फिर बोलता ही चला जाता है। अरे मैं आप कुलसुम के बारे में नहीं कह रही, मैं तो फरकुंदा जबी के बारे में कह रही हूँ। क्या 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 फरकुंदा जबी गुजर गई? अम्मा कहीं ऐसा तो नहीं है तुमने उसे जला दिया? बख्शुल्ला अब एक लफ्ज भी जबान से निकाला ना ऐसा मुंह पे झापड़ दूंगी कि सब बोलना भूल जाएगा। तो बताओ ना क्या आखिर क्या बात क्या है? अरे हुआ क्या, बस मुझसे लड़ रही थी, जबान दराजी करी थी, मैंने भी एक हल्का सा हाथ रसीद कर दिया। हल्का सा? रोने लगी, पड़ोस से बच्चे को बुलाया, टैक्सी मंगाई, ये जा वो जा। थोड़ी देर पहले उसका बाप आया था अजीबोगरीब गुंडे लेके, धमकियां दे रहा था, कहने लगा अपने बेटे से कहो मेरी बेटी को तलाक दे दे और 5 लाख हक मेहर दे दे, और नहीं दिया तो तुम्हें तुम्हारी बेटी की लाश मिलेगी। क्या कर रहा है ये? वैसे हम अजाब में पड़े हैं। अम्मा अम्मा ये तुमने किन कसाईयों के हवाले कर दिया मुझे? अम्मा अम्मा देखना अगर मुझे कुछ हुआ ना तो क्यामत के दिन मैं तुम्हारा गिरेबान पकड़ूंगा। अरे मेरे बेटे, मेरे बख्शुल्ला, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं ऐसा करती हूँ, उस कमबख्त मारी के पास जाती हूँ और उसे मना के ले आती हूँ। अब तो यही चाह रहा है बेटा? नहीं नहीं अम्मा, बस अब मैं उसे तलाक देकर ही जान छुड़ाऊंगा। 5 लाख हक मेरे तेरा बाप देगा? तेरे बाप ने तो नई नवेली दुल्हन से शादी करके हमें महीना खर्च देना भी बंद कर दिया। अब आ रहा है वो कमीना ये घर बेचने के लिए, ना हमारे पांव के नीचे जमीन होगी ना सर के ऊपर आसमान। बख्शुल्ला हम कहीं के नहीं रहे, बख्शुल्ला हम कहीं के नहीं रहे। तो अम्मा वो अपने सारे देवर बेच कर ना उसके 5 लाख रुपए ना फरकुंदा जबी के मुंह पे मारो। खबरदार जो मेरे जेवर पे नजर रखी तेरी आंखें नोच लूंगी। शौहर तो छीन ही गया, अब तू जेवर भी छीन ले। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे लहे डूब ना। ए मोटे जी, क्या कर रहा है तेरा? कुछ नहीं, वो कबूतर देख रहा है, शायद कबूतर आ गया। कबूतर देख रहा है? झूठ बोलता है। नहीं तो जासूसी कर अपने मेरी। बोल नहीं। बोल नहीं, मेरे बाप दादा की कसम मैं ना झाके में दूंगा। अरे ये तेरी बहन मेरी जासूसी क्या करवाती रहती है? अरे क्या कर लूंगी मैं अब उसके शोर का क्या कर सकती हूँ मैं? मैं तो उस वक्त भी कुछ नहीं कर सकी थी, कुछ नहीं कर सकी थी मैं उस वक्त भी। कह देना जाकर उससे, कह देना सब कभी भी पीछे रह जाने वालों की तरफ पलट कर देखा नहीं करती। जानती हूँ मैं, खूब मिर्च मसाले लगा लगा कर दास्ताने सुनाता होगा उसको, है ना? सब पता है मुझे। काश मैंने उसे ठुकराया होता, काश मेरा पलड़ा भारी हुआ होता, काश मैं सुरखुर हुई होती, मैं सरबुलंद हुई होती। सुन रहा है कुछ? नहीं जी नहीं, आपकी कोई गेंद हमारे पास नहीं आई, जाए यहाँ से।
हमारी छत पे कोई गेंद में नहीं है। क्या कर रही हो? पागलों की तरह गंदी चप्पलें लेके नाचती है चंद्री। कहाँ है वो खूनी वाला जो मेरे बच्चे को बहरा करने के दर पे है? अरे वो तो अल्लाह का बड़ा करम हो गया, डॉक्टर कह रहा था कि जरा सी कसर रह गई थी वरना तो कान का पर्दा फट जाता और मेरा टप्पू बहरा हो जाता। तुम्हारा टप्पू बहरा हो जाता खाला तो सारे मोहल्ले की रिपोर्टें तुम्हें कौन ला के देते? अः खुदा न करे जो मेरा बच्चा बहरा हो। बिल्किस तेरे कोई औलाद नहीं है। अरे तू क्या जाने माँ के दिल का दर्द, जल्लादनी पत्थर दिल। अगर इतना ही प्यारा है बुढ़ापे का सहारा तो क्यों एरो गैरों के घर भेजती रहती हो? क्या है क्या शो? ओखो, आप आई हुई है। वैसे मुझे पता था कि तुम ही आई होगी, तुम्हें ही शौक है गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने का। और तुम्हारी नवाबजादी ऊपर सो रही है, उससे जाके मिल लो, यहाँ शोर मत करो, वैसे ही सर में दर्द हो रहा है हमारे। तमीज तो सीख लेती कपड़े पहनने की, किस रंग की शलवार, किस रंग की कमीज, किस रंग का दुपट्टा, सरंगी बनी फिर रही हो। ऐ है, ऐ जरा तभी से बात कर कुलसुम, तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को ब्याह कर लाया था, कुछ समझाने के आदाब भी मालूम होना चाहिए। ओखो, ले भाई बिल्किस, अब ये पगली शमीम हमें अदबो आदाब सिखाएंगी। अम्मा बस बस इसके मुंह ना लग, 10 साल पहले इसने मुझे मेरी शादी ना होने की बद्दुआ दी थी, आज तक नहीं हुई शादी। अरे कहाँ है वो तुम्हारी छोटी बहू जिसने मेरे बच्चे को जानवरों की तरह पीट डाला? यहाँ से निकल लो तुम, मैं उस ठिगनी को तुम्हारे घर पे भेज दूंगी, जितना दिल चाहे लड़ लो, जितना चाहे हंगामा करो, बाल नोचो एक दूसरे के, यहाँ मत लड़ो, मोहल्ले वाले हमारे परेशान आ चुके हैं रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से, समझ में आई है ना? अरे है बातें तो तू इस तरह से कर रही जैसे बड़ी कहीं की थानेदारनी लगी हुई है। मेरी बच्ची के तो नसीब फूट गए। ए किस्मत तुम्हारी बेटी की नहीं हमारी फूटी है, न शक्ल सूरत अच्छी है, माशाल्लाह जी भर के कद की ठिगनी। मेरे बेटे का और उसका कोई जोड़ नहीं है, उसके साथ खड़ी होती है तो लगता कोई भिकारन शहजादे के साथ खड़ी हुई है। और बूढ़ी होके बिल्कुल माँ की तरह हो जाएगी वो ठिगनी, देखना। तौबा तौबा, ये दोनों आफतें। ऐ बात सुनो, अब क्या हो गया? वो हमारा बड़ा डोंगा गया था तुम्हारे घर, तुम्हारी चहीदी ने पाए भर के भेजे थे, तो वो भेज दो। भेज देंगे, रखेंगे नहीं ऐसा सड़ा। क्या है रखेंगे नहीं, इतनी चोर है पता नहीं कितने बर्तन निकाल के लाई उसके घर से। अच्छा अम्मा जरा पूछे तो लगा। चल कैसी लग रही हूँ मुन्ने? ये क्या गवारो जैसा हुलिया और जाहिलो जैसा मेकअप किया हुआ है तूने? वो बोर हो रही थी, पहले तो उस मोटे गेंडे को मारती थी टप्पू को, उसके बाद वो आ गया। वो कौन? दूल्हा भाई? वो तेरा दूल्हा भाई कब से हो गया है? वो तेरा दूल्हा भाई नहीं है, समझा तू? ये ड्रामेबाजी है ना, मेरे सामने मत किया कर, अपने ससुराल वालों के सामने किया कर, सब जानता हूँ मैं तुझे। क्या जानता है तू? है क्या जानता है? कुछ नहीं जानता तू। अच्छा चल छोड़, चल मैं तेरा मेकअप ठीक कर दूँ, बहुत बुरी लगती है। एक बात बोलूं? बोल। बंद कर दे, खत्म कर दे सारे चक्कर को। तुझे याद है बचपन की वो कहानी, तेरे जैसे और मेरे जैसे एक जाहिल और कमीने शख्स की कहानी, जो इस गांव की गलियों में सरे शाम निकलकर चीखता था चिल्लाता था, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, शेर आ गया है, शेर मुझे खा जाएगा। पता है गांव के सारे लोग उसकी मदद को पहुंच जाते थे, फिर वो शख्स गांव वालों की बेवकूफी पे, उनकी सादगी पे बहुत हंसता था, बहुत हंसता था। फिर पता है एक दिन क्या हुआ? एक दिन अचानक सच्ची मुझका शेर आ गया, वो चीखता रहा चिल्लाता रहा, फिर कोई उसकी मदद को नहीं आया, और फिर वो शेर सच्चे मुझे उसको खा गया। ज्यादा झूठ भी ना, कभी कभी इंसान को खा जाता है बाजी, और मुझे डर है कहीं ये भैरू भरते 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 भरते
कहीं तू अपना असल रूप ना खो दे। तू सच कहता है मुन्ने, तू बिल्कुल ठीक कहता है। इस रूप बहरूप के चक्कर में मैं तो लच के रह गई हूँ। ये मैं नहीं हूँ मुन्ने, ये तो कोई और है, मैं तो कुछ और हूँ। फिर ये आईना मेरा दूसरा अक्स क्यों दिखाता है मुन्ने? ये मैं तो नहीं हूँ मुन्ने, मेरा अपना अक्स, मेरा अपना रूप।